बड़ी खबर कुवैत से, जहां पर 45 भारतीयों का शव लेकर वायुसेना का विशेष विमान केरल के कोच पहुंच चुका है। आपको बता दें कि वायुसेना के C-130J सुपर हरक्लूसिव विमान से 45 भारतीयों का शव केरल के कोच लाया गया है। इस विमान में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कल ही कुवैत पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्होंने कुवैत के अधिकारियों से तेजी से शव को ले जाने के लिए बात की। बता दें कि कुवैत अग्निकांड में करीब 45 भारतीयों की जान चली गई थी। आपको एक बार फिर बता दें कि बीते दिनों कुवैत में अग्निकांड हुआ था, जिसमें भारत के करीब 45 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद अब उनके शव को भारत वापस लाया गया है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विमान सभी शव को लेकर भारत वापस लौट चुका है। इस विमान के साथ केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद हैं। भारत के करीब 45 लोगों की कुवैत में मौत हुई थी, बीते दिनों की यह घटना है। वायुसेना के C-130J सुपर हरक्लूसिव विमान से 45 भारतीयों का शव केरल के कोच लाया गया है, जिसके बाद कुवैत के अधिकारियों से उन्होंने बात की थी कि जल्दी से जल्दी शव को भारत वापस लाया जाए। कुवैत में हुए अग्निकांड में यूपी के जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उसमें गोरखपुर के 2 युवक भी शामिल हैं। गुलरिया के रहने वाले जयराम गुप्ता और गोरखनाथ थाना क्षेत्र के जटेरपुर उत्तरी के रहने वाले अंगद गुप्ता की मौत हुई थी। अंगद गुप्ता लगभग 9 वर्ष पूर्व कुवैत गए थे और वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में कैशियर का काम करते थे। एम्बेसी से फोन कॉल के जरिए उन्होंने अंगद की मौत के बारे में पता चला, तब से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। टीवी स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख सकते हैं। गोरखपुर के अंगद गुप्ता की मौत हुई है, जिसके बाद उनके परिवारजनों में दुख की लहर है। परिवार की खुशी के कारण कुवैत कमाने गए अंगद गुप्ता का परिवार इस वक्त हमारे साथ है। कुवैत में जो दर्दनाक दुर्घटना हुई, उसमें अंगद गुप्ता की भी मृत्यु हो गई है और अब उनकी बॉडी वहां से लाने की प्रक्रिया चल रही है। कल वो बॉडी गोरखपुर पहुंच जाने की उम्मीद है। उनकी पत्नी, 2 बच्चे और 1 बेटी है। परिवार के अन्य लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। मंगलवार को बात हुई थी, शाम को भी मंगलवार को ही बात हुई थी। क्या कुछ कहा था? कुछ नहीं कहे, बस घर परिवार के बारे में बात कर रहे थे, पढ़ाई, इसके पढ़ाई बारे में, इसका एडमिशन होने वाला है, कब होगा एडमिशन, इसका एडमिशन हो चुका है, ये मतलब फार्म, बस हम यही चाह रहे हैं मेरे बच्चों का जो पालन पोषण है वो पूरा हो और पढ़ाई वढ़ाई जो चल रहा है वो भी हो, और मेरी लड़की ग्रेजुएशन कर ली है उसको कृपया एक नौकरी अच्छी दी जाए। पापा चाहते थे कि हम पढ़ लिख के अच्छे से सक्सेस अचीव कर लें, वो हमेशा बोलते थे पढ़ाई पर ध्यान दो, फ्यूचर ब्राइट करो और गोल अचीव करो अपना, और जब भी पैसे की जरूरत हो तो हमसे बात करो। पूछ रहे थे पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है और घर जो बन रहा है वो कहाँ तक हुआ है, कितना बाकी है, ये सब पूछ रहे थे। पापा का सपना पूरा करना? जी, वो चाह रहे थे हम सब अच्छे से पढ़ लिख कर सक्सेसफुल हो जाए ताकि घर परिवार देख सके।